गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू जी सी नेट अलाउट ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूँ आपकी अपनी प्रोफेसर पुरी वेलकम टू माई क्लास जैसे कि कल हम लोगों ने अब हमारी ये जो सीरीज़ है एम एच एब्राहम्स की इसको शुरू कर दिया फिर से तो आइए इसको फिर से आज हम रिज्यूम करते हैं अच्छा कल किसी का डाउट था कह रहे थे मैम बता दो एक्चुअली है क्या ये बुक क्या चीज़ है बिकॉज अब हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो मेरी भी गलती है अजमशन रखना कि आपको पहले से ही पता होगा कि क्या किया है क्या किया जा रहा है अफकोर्स मुझे पहले आपको एक बैकग्राउंड देना चाहिए तो बैकग्राउंड दे देती हूँ देखिए जैसे कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज के लिए आप जैसे एक डिक्शनरी पढ़ते हैं ना है ना एक डिक्शनरी है आप आप मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो सभी आपको उस डिक्शनरी में मिलेंगे तो लैंग्वेज को लर्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा सिमिलरली आप अगर इंग्लिश लिटरेचर की कोई अगर डिक्शनरी एक है कमाल की जो uh, बहुत परफेक्ट है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से चाहे आपका मास्टर्स का एंट्रेंस का एग्ज़ाम है मैंने इस बुक को सबसे पहले पढ़ा था जब मैंने एम के एंट्रेंस के लिए पढ़ा था तो चाहे आपका एम का एंट्रेंस का एग्ज़ाम है चाहे आपका पी का एग्ज़ाम है चाहे आपका नेट सेट एग्ज़ाम है गेट है कोई और टीजी टी जी टी एग्जाम है टेट एग्जाम है मतलब किसी भी लेवल पे अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये वो बुक है जो आपकी होली ग्रेल होली uh, बाइबल होली कुरान होली गीता बन जाती है कि इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो रीजन मैं बताती हूँ आपका सारा जो लिटरेचर का बेस है बेस नॉलेज है आपका जो सारा फाउंडेशन बनता है लिटरेचर में वो सारा कुछ यहीं से बनता है ठीक है सारा बेस सारा फाउंडेशन आपका यहाँ से बनेगा इसमें से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे जैसे इस बार पोर्ट मैन टू वर्ड पूछ लिया था इसके अलावा इनडायरेक्ट बहुत सारी नॉलेज हमें यहाँ से मिलती है मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने पेपर वन में बहुत एक्सीडिंगली गुड स्कोर किया था जैसे पेपर वन में हंड्रेड में से एट्टी प्लस स्कोर कर लिया था और पेपर टू इंग्लिश की तैयारी इस बुक से की कैसे की जैसे कि अभी हम आगे एक टॉपिक आज पढ़ेंगे पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर के पीरियड्स में जिन जिन राइटर्स का मेंशन है उन सभी राइटर्स को सेपरेटली जाके नेट पे विकीपीडिया से स्पार्क्स नोट से स्टडी कर लिया ख़ुद के नोट्स बना लिए तो उन्होंने इस बुक को अपना बेस बनाया और यहाँ से अपनी तैयारी उठाई और वो लोग आज जे हैं वो लोग आज कॉलेज में जॉब्स कर रहे हैं मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए भी तरीका बनेगा ठीक है इस बुक की फ्री पी है ऑनलाइन अवेलेबल है आप लोग प्रेफर करो ये जो हमारी इलेवेंथ एडिशन है बुक का ठीक है एम एच अब्राहम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स प्रेफर करो इलेवेंथ एडिशन पढ़ना अगर कोई पुराना एडिशन मिल रहा है तो भी दिक्कत नहीं है दूसरा मैं रेकमेंड करूंगी इस बुक की ऑफलाइन कॉपी हार्ड कॉपी मंगवा लो क्योंकि आज भी जब इस कॉपी इस बुक को मैं पढ़ती हूँ तो मैं मुझे लगता है हर बार पढ़ने पर कुछ ना कुछ नया मेरे को इसमें सीखने को मिलता है आप जब खुद हाथ से अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ते हो तो वो बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है तो ये एक अप्रोच आप लोग फॉलो करेंगे क्लियर चलो आ जाओ अब uh, टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग साथ ही साथ आंसर की आउट हो गई है प्रोविजनल किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ uh, अपना चैलेंज डाल दीजिए अभी इससे पहले आपका टाइम ख़त्म हो जाए बिकॉज़ कल रात तक का वक्त है आपके पास अपने चैलेंजेस को डालने का तो ये काम आप लोग जो है करके रखिएगा डन चलिए द नेक्स्ट वर्ड हम जिससे शुरू कर रहे हैं वो है पेन नेम पेन नेम दूसरा इसका टाइटल यहाँ पे आ रहा है नॉम प्लूम सो दो या अठारह में एक डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरे मतलब मैंने वो पेपर दिया था उसमें वो क्वेश्चन था जहाँ पे मैच द कॉलम था एक तरफ राइटर्स के पेन नेम्स थे दूसरी तरफ उनके ओरिजिनल नेम्स थे आपको उनको मैच करना है सो पेन नेम्स असेंशली वो नेम्स हैं जो राइटर्स यूज करते हैं ये वो ऑल्टरनेटिव टाइटल्स हैं ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जो राइटर्स यूज करते हैं पब्लिश होने के लिए अब इसके रीज़न्स मल्टीपल हो सकते हैं विक्टोरियन एज तक हम एक ऐसी जी रहे थे जहां एजुकेशनल राइट्स और प्रोफेशनल राइट्स और पब्लिशर्स वुमेन राइटर्स को पब्लिश करके भी खुश नहीं थे तो वुमेन राइटर्स अपने नेम्स चेंज कर लेती थी या तो कोई दूसरा फीमेल नेम अडॉप्ट कर लेती थी ठीक है जैसे कि जितनी भी ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं उन्होंने एक दूसरा फीमेल नेम अडॉप्ट किया कुछ फीमेल राइटर्स एनोनिमसली पब्लिश होती थी जैसे जेन ऑस्टन के मोस्ट जो उनके जो चार नॉवल्स जो उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हैं वो अनोनिंग

क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा लेकिन क्वेश्चन बनेगा राइटर्स के नेम्स और उनके ओरिजिनल नेम्स पे तो आपका जो राइटर्स के जो पेन नेम्स है हम यहाँ पे एक दूसरा टाइटल भी यूज कर सकते हैं दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं स्यूडोनिम ठीक है सो so, स्यूडोनिम नॉम दि प्लूम पेन नेम ये तीनों एक ही चीज मीन करेंगी आपको पेपर में पूछ लेंगे क्या क्या कौन कौन है जैसे कि वो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो 2017-18 में आया था उसमें ऑप्शन में एक ये लुइस कैरल का नाम था जॉर्ज एलियट थी एक कोई ब्रॉन्टे सिस्टर थी बीच में एक कोई और राइटर थे ठीक है तो आप देख लीजिए जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शंस में जितने भी राइटर्स के नेम्स मैंशन है सैम्यूल क्लेमेंस को आप पॉपुलरली जानते हैं एज मार्क ट्वेंस चार्ल्स लाटविज डॉटसन को आप पॉपुलरली जानते हैं एज लुइस कैरल एमिली ब्रॉन्टे को आप पॉपुलरली जानते हैं एज एलिस बेल मैरी एनिवेंस को आप जानते हैं एज जॉर्ज एलियट जॉयस कैरल ओट्स को आप जानते हैं एज रोजम स्मिथ लॉरेन कैली एक्सेट्रा सो ये डायरेक्ट नेम्स आपको यहाँ जो है पेपर में देखने को मिलेंगे क्लियर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है परफॉर्मेंस पोइट्री पोइट्री की का सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ सब लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे uh, आप मुझे पहले तो ये बताओ पोइट्री की जो शुरुआत है वो क्या रिटर्न फॉर्म में हुई होगी पहले या फिर ओरिजिनली पोयम ओरल ट्रेडिशन में थी फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो पोइट्री जब ओरिजिनली बिगिन की थी Uh, किसी भी क्लासिकल सोसाइटी में चाहे वो हम हमारे संस्कृत लिटरेचर में देखते हैं चाहे चाहे वो हमारे ग्रीक लिटरेचर में देखते हैं रोमन लिटरेचर में देखते हैं आपको क्या लगता है ये लिटरेचर बनने से पहले क्या ये पोएम्स एग्जिस्ट नहीं कर रही थी क्या हमारे पास ये सॉन्ग्स या ये बैलेट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे क्या जब से इनको लिखा जाने लगा है जब से लिटरेचर बने क्या ये तभी से एग्जिस्ट करने लगे हैं बिल्कुल भी नहीं लिटरेचर पहले से एग्जिस्ट मतलब लिटरेचर से भी पहले ये जो पोएम्स हैं ये जो स्टोरीज हैं ये जो नारेटिव हैं ये ओरल ट्रेडिशन में एग्जिस्ट कर रही थी In fact, कहा जाता है बहुत इंटरेस्टिंगली कि जनरेशन बाय जनरेशन ये लंबी लंबी एपिक पोएम्स को पास ऑन किया गया है थ्रू ओरल मेथड अब होमर जो हैं द ग्रेट एपिक राइटर फ्रॉम ग्रीस वो ब्लाइंड थे ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये दो इतने कमाल की लंबी एपिक पोएम्स जो हैं पास ऑन की इसके अलावा इंडिया में रामायण महाभारत भी मानी जाती हैं कि शुरू कहाँ से हुई कहानी नहीं पता लेकिन उनको बैठ के लिखा किसने है मतलब उसको लिटरेरी फॉर्म में किसने अडॉप्ट किया है उनके नेम्स हमें पता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पोइट्री का ट्रेडिशन ओरिजिनली जो है ओरल ट्रेडिशन था लेकिन जैसे जैसे हम ह्यूमन एवोल्यूशन में आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे इसका रिटर्न ट्रेडिशन जो है ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया लेकिन जैसे जैसे हम इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में और आगे बढ़े समवेयर आफ्टर द ट्वेंटी सेंचुरी परफॉर्मेटिव आर्ट्स का ट्रेंड और बढ़ने लगा पर्टिकुलरली बिकॉज ये जो परफॉर्मेंसेस थी ये जनरली इस्टेबलिड सोशल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रही थी सबवर्ट कर रही थी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही थी तो परफॉर्मेंस पोइट्री भी उसी ट्रेंड में लिखी जाती है ट्वेंटियथ या मिड ट्वेंटियथ सेंचुरी में परफॉर्मेंस पोइट्री का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर्टिकुलरली उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज थे यानी कि जिनके पास या तो फॉर जेंडर रीजनस या फिर फॉर रेशियल रीजन या फिर फॉर क्लास रीजन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे नहीं थी तो ऐसी जो हमारी मार्जिनलाइज सबजुगेटेड जो हमारी जितनी भी क्लासेस थी या जितने भी ग्रुप्स थे उनमें एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड शुरू होता है पर्टिकुलरली पोस्ट मॉडर्न एरा में पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू वहां पे ये जो है पोइट्री का ट्रेंड हमें देखने को मिला तो इसका जो सबसे पहला क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं वो है पोएट्री हैपनिंग्स पोइट्री है में, ये स्पेशल पोइटिक परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी ठीक है और ये परफॉर्मेंसेस जो है इनकी सेटिंग जनरली अर्बन सेटिंग होती थी और यहाँ पे जो ये ऑडियंसेस हैं वो ऑडियंसेस एकेडेमिक्स या एलिट्स भी हो सकते थे तो पर्पज़ इनका असेंचुअली ये था कि ये वो लोग हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के जो कि पावर आ, हब में बैठकर पावर के इंस्टीट्यूशनस को पावर के स्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं फिर नाइनटीन एटीज़ में परफॉर्मेटिव पोइट्री के अराउंड कॉम्पिटिशन्स बनने लगे जिनको हम पोइट्री स्लैम कॉम्पिटिशन कहने लगे पोइट्री स्लैम कॉम्पिटिशन्स में असेंचुअली क्या होता है कि एक स्टेज बना दिया जाता है और आपको टाइम दे दिया जाता है कि आपने दस मिनट या पंद्रह मिनट के लिए अपनी पोइट्री की रेसीटेशन करनी है और यहाँ पे पोइट्री की रेसिटेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर्स के थ्रू आप ऑडियंस इसको इम्प्रेस करते हैं आपको स्कोर दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस पे और फिर उस बेसिस पे फिर आपको आपके मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो स्लैम पोइट्री का ट्रेंड जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था स्लैम पोइट्री से हम धीरे 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 करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और अब हम देखेंगे कि एक नए तरीके का म्यूजिक स्लैश पोइटिक जॉनरा क्रिएट हो गया है जिसे हम रैप म्यूजिक कह रहे हैं अब ये रैप म्यूजिक जो था इट वॉज पार्ट ऑफ द हिप हॉप मूवमेंट हिप हॉप मूवमेंट असेंशली न्यूयॉर्क के अमेरिकन गेटोज़ में इस्टेबलिश हुए थे गेटोज़ असेंशली वो कॉलोनीज थी जहाँ पे अर्स्ट वाइल स्लेव या फिर एफ्रो अमेरिकन कम्यूनिटीज़ डिसाइड करती थी तो इन गेटोज़ में आ, हमें ये हिप हॉप म्यूज़िक देखने को मिला हिप हॉप म्यूज़िक का काफ़ी क्लोज इंट्रेंसिक रिलेशनशिप है बीट मूवमेंट के साथ बीट मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसमें क्या होता है कि ज जो अवेलेबल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं एवरी डे ऑबजेक्ट्स वहाँ से म्यूजिकल मूवमेंट्स म्यूजिकल बीट्स बनाना और उन म्यूजिकल बीट्स के ऊपर फिर जो है पोइट्रिक पोइटिक कॉरिस्पॉन्डेंस करना पोइटिक रेसिटेशन करना वहाँ से रैप पोइट्री का या रैप म्यूजिक का ट्रेंड शुरू हो जाता है रैप में एसेंशियली आप uh, uh, एक गाना ही गा रहे हो बट वो सुनने में ऐसा लगेगा जैसे आप बात कर रहे हो तो इट विल इट विल लुक क्वाइट इट इट विल साउंड क्वाइट सिमिलर लाइक यू नो लिसनिंग समबडी टॉक और हियरिंग समबडी टॉक एंड दर माइल्ड म्यूजिक असोसिएटेड विद इट एंड लाइक आई दट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काइंड का म्यूजिक नहीं होता पीछे बहुत ही सिंपल बीट्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं रैप म्यूजिक में असेंचली क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जोनेट साउंडस का बहुत स्ट्रॉन्ग बीट्स का यूज़ होता है एलिटरेशन का बहुत यूज़ हो सकता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जोनेट साउंडस पे फोकस देकर उनकी कॉन्स्टेंट रेपिटेशन से जो है इस पर इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्फैक्ट जो है अफ्रीकन या एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटीज में था या फिर वेस्ट इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिट से इसकी बीट्स हमें देखने को मिलती हैं जो फीचर हमें बीट मूवमेंट पोइट्री में भी देखने को मिलता है बीट मूवमेंट पोइट्री में उनकी पोइटिक जो बीट्स हैं या पोइटिक जो रिदम है वो काफ़ी हद तक कॉरिस्पॉन्ड करती हैं अफ्रीकन ओरल म्यूजिक या फिर अफ्रीकन जो फोक म्यूजिक है उनकी बीट से पर्पज असेंशली यही था कि अपने कल्चर की ग्लोरिफिकेशन अपने कल्चर के रिवाइवल की यहाँ पे कोशिश की जा रही है तो वही ट्रेंड हमें जो है यहाँ पे रैप म्यूजिक में भी देखने को मिलता है ठीक है जी अब वो जो रैप म्यूजिक है वो जैसे मैंने आपको बताया ये जितना भी स्लैम पोइट्री था परफॉर्मेंस आर्ट था इन सभी में आप देखेंगे कि एंटी इस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट देखने को मिलता है तो उन्हें लग, इन लोगों ने प्रॉबेबली बैठ के सोचा होगा या शायद नहीं भी सोचा इन्होंने इन्होंने असेंशली ऑब्जर्व किया कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हैं इनको क्या चीज़ें नहीं पसंद चलो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी में वायलेंस नहीं पसंद चलो अपने गानों में वायलेंस डाल देते हैं आपको सोसाइटी में ओवर्ड सेक्शुअलिटी नहीं पसंद चलो सेक्शुअल टॉक डाल देते हैं आपको होमोफोबिया से दिक्कत है चलो होमोफोबिया के बारे में बात करते हैं आपको गन से पिस्टल से इन ईशूज से कैपिटलिज्म से दिक्कत है चलो हम इन ईशूज को अपने गानों में डाल देते हैं तो इन म्यूजिक आर्टिस्ट ने असेंशली या इन पोइट्स ने उन उनशूज़ को अपनी पोइट्री में डाल

वायलेंट हो सकती हैं ब्लड शेड रिलेटेड हो सकती हैं ये वो इश्यूज uh, के बारे में बात कर सकते हैं जो प्रॉबर्बली छोटे बच्चों के सुनने के लिए नहीं होंगे तो आपको वायलेंस मिसोजनी होमोफोबिया जैसी थीम्स का कैंडेड सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा इस तरीके की पोएट्री में क्लियर धीरे धीरे करके अब कोर्स इनकी ऑडियंस बढ़ती चली गई तो सिर्फ एफ्रो अमेरिकन राइटर्स इसमें नहीं रहे वाइट वोकलिस्ट वाइट वोकल आर्टिस्ट स्पेशली फीमेल सिंगर्स भी जो है रैप करने लगे तो इसका स्कोप जो है वाइडन हो गया बट इसकी जो शुरुआत है वो एज एंटी स्टैब्लिशमेंट परफॉर्मेंस आर्ट की तरह ही हुई थी क्लियर कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहाँ पे नेक्स्ट अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले लंबा टॉपिक है आई थिंक पूरी रेस्ट क्लास में वही हमारा चलेगा लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें कहाँ से पढ़ें कहाँ से तैयारी शुरू करें तो एक छोटा सा काम कर सकते हो एम एच अब्राहम जब पढ़ते हो तो इसमें जिन जिन राइटर्स का या जिन जिन बुक्स का नेम दिख रहा है uh, उनको आप लोग ज़रा uh, जो है uh, एक्स्ट्रा रीड करो उन पर एक्स्ट्रा नोट्स बना लो तो वहाँ से नेट की बहुत तैयारी हो जाएगी अंकिता uh, uh, कह रही है मैम हनी सिंह इज़ ऑल्सो अ गैंगस्टर सिंह हाँ सो ही ही येस ही क्वाइट साउंड लाइक अ गैंगस्टर रैप स्टार कैन वी से पॉप स्टार तो नहीं बोलूंगी बट रैप स्टार फॉर श्योर राइट पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर जिस तरीके से ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री स्टडी की जाती है अमेरिकन लिटरेचर को स्टडी करने के लिए भी स्टडी करने के लिए भी हम अमेरिकन लिट्रेरी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं अमेरिका का जो लिटरेचर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन द फैक्ट कि इनका जो लिटरेचर है ये शुरू हो जाता है कायदे से इनके कोलोनीयल पीरियड से कोलोनियल पीरियड असेंशली वो सेवनटीन सेंचुरी का पीरियड है जब अमेरिका में इंग्लैंड कॉलोनाइजर्स ने अपनी कॉलोनी सेटल की थी वहाँ से हमें लिटरेचर का जो है एक अप्राइज देखने को मिलता है और धीरे धीरे करके इनके जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स या पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या जो वॉर्स हैं वहाँ उनके अराउंड जो है हमें लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं वाउंडेड मिलती हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना कि जहाँ ब्रिटेन ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक सोशल पॉलिटिकल रिलीज रिलीज़स इशूज से इंपैक्टेड रहती है अगर हम अमेरिका की बात करें अमेरिकन जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड है ठीक है तो बिगनिंग uh, के कुछ नेम्स वगैरह हैं कुछ बुक्स के नेम्स हैं मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों को पढ़ना आप लोग पढ़ लेना हम इस सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि अमेरिकन हिस्ट्री लिटरेरी हिस्ट्री की अगर डिविज़न हम देखें तो हम उसको ब्रॉडली इन कैटेगरीज में पुट कर सकते हैं सबसे पहले रेवोल्यूशनरी पीरियड रेवोल्यूशनरी पीरियड ये वो पीरियड है जब अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था नेक्स्ट आ जाता है आपका सिविल वॉर पीरियड सिविल वॉर होता है अमेरिका में बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द साउदर्न स्टेट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी फिर आता है आपका वर्ल्ड वॉर वन जो ब्रिटेन में भी मॉडर्न इस लिटरेचर कहला रहा था यहां पे भी ये यही इसको बुलाया जाएगा फिर हमारा वर्ल्ड वॉर टू जिसके बाद हमारा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर शुरू हो जाता है ब्रिटिश लिटरेचर में भी अमेरिकन लिटरेचर में भी ठीक है अब इसको पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं ये तो है ब्रॉड कैटेगरीज लेकिन हम थोड़ा और डिटेल में जाके इसको मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स भी इसमें देती रहूँगी सो अमेरिकन लिटरेचर की बात शुरू करें तो सबसे पहले इसमें हमें देखने को मिलता है बुक में लिखा है कोलोनियल पीरियड में आपको पोस्ट कोलो प्री कोलोनियल लिटरेचर से शुरू करूँगा देती हूं जब कॉलोनियल जब कॉलोना जब कॉलोनी सेट हुई थी अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनी तो यहाँ आके इन्होंने रियलाइज़ किया कि जो यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन हैं ऑफ कोर्स इनका मास एक्सटर्मिनेशन हुआ था और मास परसिक्यूशन हुआ था इस लेवल पे ब्लडशेड है जो मतलब अपेरेंटली हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट रेचड एंड प्रॉब्लली वन ऑफ द मोस्ट अनअकाउंटेड फॉर ह्यूमन परसिक्यूशन की हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिली है अब ये जो अमेरिकन थे अफकोर्स ये अपने खुद के फोक कल्चर फोक लिटरेचर या फोक ट्रेडिशन के साथ आ रहे थे तो मे बी लिटरेचर इतना नहीं एग्जिस्ट कर रहा था बट फोक म्यूजिक फोक डांस फोक ट्यून्स फोक स्टोरीज इनके पास थी तो uh, अगर हम प्री कॉलोनाइज पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में डेफिनेटली हमें लिटरेचर ओरल ट्रेडिशन में देखने को मिल रहा है जिसे जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया जा रहा था साथ ही साथ इस पीरियड के कुछ इंडिविजुअल्स uh, हैं कुछ नेटिव रेड अमेरिकन हैं जिनकी पर्सनल जर्नल्स या डायरीज़ हैं अब उन्होंने डायरीज़ की फॉर्म में शायद नहीं लिखी थी लेकिन पर्सनल जर्नल्स के फॉर्म में उन्होंने उनको लिखा था तो वो भी हमने रिट्रीव की हैं जो उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही लिखी थी और uh, वो हमारा प्री कोलोनियल लिटरेचर बन जाता है फिर कोलोनियल पीरियड शुरू होता है ये वो पीरियड है जब uh, ब्रिटिश कॉलोनी सेटल हो जाती है अमेरिका में ठीक है अब ये वाला जो आपका कॉलोनियल पीरियड है इस पीरियड में आपको लिटरेरी राइटिंग्स कम देखने को मिलेंगी नॉन लिटरेरी मतलब फिक्शनल राइटिंग्स कम देखने को मिलेंगी नॉन फिक्शनल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो अगर इस पीरियड से हम ट्रेस करते हैं तो हमें असेंशली पॉलिटिकल स्पीचेस मिलती हैं हिस्टोरिकल आर्काइव्स मिलते हैं इकोनॉमिक ट्रैक्ट्स मिलते हैं ठीक है डायरी एंट्रीज़ मिलती हैं उन ऑफिसर्स की जो प्रॉबेबली यहाँ पे सेटल थे ट्रैवलॉग्स मिलते हैं जोग्राफ़िकल ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो इस तरीके की चीज़ें हमें इस पीरियड में ज़्यादा मिल रही थी ठीक है साथ ही साथ क्योंकि ये वो पीरियड भी है जब प्योरिटानिज़म काफ़ी वाइड स्प्रेड था अमेरिका में तो प्योरिटैनिकल ट्रैक्ट्स रिलीजियस ट्रैक्ट्स भी आपको इस पीरियड में असेंशली देखने को मिलेंगे ठीक है इस पीरियड के कुछ क्लासिकल ग्रेट राइटर्स जो हमें देखने को मिलते हैं विलियम ब्रैडफोर्ड जॉन विंथ्रॉप ठीक है थियोलॉजिन कॉटन माथर साथ ही साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन इस पीरियड के एक बहुत ही फेमस हमारे राइटर ऑफ कोर्स रहे हैं सिर्फ राइटर ही नहीं रहे हैं एक क्या कहते हैं एक एक्टिविस्ट भी थे ये फिलोसोफर भी थे राइटर भी थे साथ ही साथ एडवर्ड टेलर के का अर्ली मैनीस्क्रिप्ट हमें इस पीरियड में देखने को मिलता है सो ये जो वर्क्स हैं आप देखेंगे असेंशली सेक्युलर नेचर के थे पोलिटिकल नेचर के थे रिलीजियस नेचर के थे लिटरेरी नहीं थे फिक्शनल नहीं थे अभी ज़्यादा ये ठीक है ना उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके इसी पीरियड में हमें कुछ अर्ली ऑन पोइट्री देखने को मिलती है अब ये वो ऑफिसर्स थे जो इंग्लैंड के थे फिर अमेरिका आके सेटल हो गए तो यहाँ पे इन्होंने पोएम्स लिखनी शुरू की तो मतलब यहाँ पे जो हम ये जो पोइट्री अमेरिका से देख रहे हैं ये नेटिव अमेरिकन की नहीं है ये उन लोगों की है जो ब्रिटिश थे और यहाँ के कॉलोनीज में सेटल हो गए थे जैसे कि पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स ये पब्लिश हुई थी 1773 में बाय फिलिस वीटली उसके बाद आप देखेंगे ये ये जो वर्क था असेंचुअली ये ब्लैक एक ब्लैक अमेरिकन थे अर्स्ट वाइल्ड स्लेव थे असेंचुअली तो इस पीरियड में हमें कुछ ब्लैक राइटर्स एफ्रो अमेरिकन राइटर्स का भी लिटरेचर देखने को मिल रहा है ठीक है तो आप देखोगे नेटिव अमेरिकन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच एज फार एस कोलोनियल पीरियड इज कंसर्न नहीं था क्योंकि मास एग्जीक्यूशन हुआ था उन लोगों का और अगर कोई वहां लोग वो बचे भी थे कोई ट्राइब्स वहां बची भी थी बेसिकली हेल्ड नो पावर्स पावर्स सो या तो आपको एफ्रो अमेरिकन राइटर्स अर्स्ट वाइल स्लेव्स थे यहां करंट स्लेव्स थे फ्रीड स्लेव्स थे या तो आपको उनके थेरेटिव देखने को मिल रहे हैं या आपको वो पोइट्री और वो लिटरेचर देखने को मिल रहा है जो यहाँ के कॉलोनाइजर्स ने लिखना शुरू किया था ठीक है इसी पीरियड में कुछ और इंपॉर्टेंट एफ्रो अमेरिकन राइटर्स के वर्ग की लिस्ट आपको यहां मिलेगी आप लोग इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीड कर सकते हैं अब रेवोल्यूशनरी पीरियड आ जाता है रेवोल्यूशनरी

तो ब्रिटेन में आप देखेंगे जब सेवनटीन नाइनटी एट से हम रोमांटिक पीरियड की ऑफिशियल बिगनिंग मानते हैं तो क्योंकि अभी यहाँ पे अमेरिका रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था उनको कुछ टाइम लगा अपने आप को एज अ नेशन एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन सेटल करने के लिए तो उसके बाद जो पहली उनकी सेल्फ कॉन्शियस मूवमेंट थी अमेरिका की पहली सेल्फ कॉन्शियस लिटरेरी मूवमेंट जो थी वो इनकी रोमांटिक पीरियड था और अमेरिका में इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एटीन थर्टीज में होती है एंड इट विल गो ऑन टिल द 1860s सिक्सटीज क्योंकि उसके बाद यहाँ पे रियलिज्म या नेचुरलिज्म आ जाएगा अब रोमांटिक पीरियड का रेलिवेंस क्या है अमेरिकन लिटरेचर में उसको समझ लेते हैं देखिए जैसे हम ब्रिटिश लिटरेचर में हम पढ़ते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट जो है पोइट्री में इट वॉज अ मूवमेंट अवे फ्राम द न्यू क्लासिकल मूवमेंट अवे फ्राम द सिटी टूवर्ड्स द कंट्री साइड एंड हम नेचर की और नेचुरल लाइफ की कंट्री साइड की लाइफ की सिंपलिसिटी को इन्जॉय कर रहे हैं हम उसकी ग्लोरी को इन्जॉय कर रहे हैं नेचर के जॉयस को इन्जॉय कर रहे हैं यही सब था ना तो कुछ कुछ हद तक यहाँ पे भी वही था पर थोड़े डिफरेंट फैक्टर्स थे इनके पास कोई न्यू क्लासिकल पोइट्री का बैकग्राउंड नहीं था इनको उसको चैलेंज नहीं करना था इनको क्या करना था इनको सबसे पहले तो अपनी नेशन बिल्डिंग करनी थी अभी अभी अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ है तो अपने आप की एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी नेशन बिल्डिंग करनी थी फ्रीडम की बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे और अमेरिका के लोगों में एक एक क्या कह सकते हैं सेंस ऑफ एसोसिएशन और देश प्रेम बना सके उसके लिए ह्यूमंस की गुडनेस पे फोकस कर रहे थे नेशन बिल्डिंग दो तरीके से हो सकती थी या तो नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड करो दूसरा अमेरिकन लैंडस्केप की ग्लोरिफिकेशन ठीक है अमेरिकन लैंडस्केप को भी ग्लोरिफाई करने की बात यहां पे की जा रही थी तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो अमेरिकन रोमांटिक पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं तो इस पीरियड के जो राइटर्स हैं वो असेंचली वही वैल्यूज uh, को प्रोपोगेट कर रहे थे जो रेनेसो में ह्यूमनिस्ट किया करते थे कि ह्यूमंस को एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो जो है यहाँ पे मना रहे हैं ठीक है बात मत करो और फालतू के लोग मेरी क्लास में मत आए ना ही कॉमेंट करें और आप लोग दूसरों को देख के मत कमेंट करो अपना पढ़ो प्लीज़ डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो क्लास में ठीक है चलो तो अमेरिकन जो रोमांटिसिज्म है इसमें ह्यूमन की ग्रेटनेस की बात की जा रही है ह्यूमन को बेटर बनाने की बात की जा रही है ह्यूमन्स uh, को एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना जा रहा है तो यहाँ से अभी दो क्वेश्चंस इस बार जो हैं हमें पेपर में देखने को मिले हैं जो हमारा अभी का जो हमारा एग्जाम हुआ है uh, उसमें देखिए क्वेश्चन हमें देखने को ये मिले थे एसेंशियली कि पहली बात तो ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर एक आपका क्वेश्चन बना था इस बार तो अमेरिकन रोमांटिक पीरियड का एक एक सब कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं किसी चीज को ट्रांसेंड कर जाना यानी किसी चीज को लांघ जाना टू मूव बियॉन्ड सम ठीक है किसी चीज में एक लिमिट है आप उस लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हो उसे कहते हैं ट्रांसेंड कर जाना किसी चीज को ट्रांसेंडेंटलिज्म सब कैटेगरी अंडर अमेरिकन रोमांटिसिजम इन विच देर वॉज अ न्यू अटेंशन और फोकस ऑन द इट गुडनेस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ द ह्यूमन बींग इसमें नेचर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है अमेरिकन लैंडस्केप को ग्लोरीफाई किया जा रहा है ह्यूमन्स की इनट गुडनेस पे फोकस जो है वापस लाया जा रहा है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ट्रेस करने की बात की जा रही है उसी के साथ साथ नेशनल आइडेंटिटी को भी काव किया जा रहा है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म के अच्छा इस ये जो ट्रांसेंडेंटल आपकी मूवमेंट थी इसके दो प्रोपोनेंट्स थे अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में आपके रॉयल फॉल्डो एमरसन हेनरी डेविड ये दो एंडरीटेंट थियोरिस्ट हैं। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म की जो डेफिनेशन है वो इस बार आपके पेपर में आई थी दूसरा क्वेश्चन यहां पे आया था राल फॉल्डो का बहुत ही फेमस एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है वॉल्डेन वॉल्डेन एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है है की मूवमेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है। आप लोग आज जाके एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसके बारे में रीड भी करके आ सकते हो इसको होमवर्क की तरह ही मान लो एक्चुअली ठीक है तो वॉल्डेन के ऊपर भी जो है इस बार क्वेश्चन था आई थिंक पब्लिकेशन ईयर पे था पता नहीं या फिर uh, राइटर कौन है ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था पर आप थोड़ा वॉल्ड पे एक्स्ट्रा पढ़ लेना तो इस देखो इसी पीरियड से दो क्वेश्चन में डिसंबर अटैम्प्ट में हमें देखने को मिले थे ठीक है तो ये जो रोमांटिक पीरियड है इसके अंदर हम सब कैटेगरीज देख रहे हैं तो पहली कैटेगरीज में जो हमने देख ली है वो है रोमांट ये अपना ट्रांसेंडेंटलिज्म अब एक्शन रिएक्शन की मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब एक एक थियरी आ रही है या फिर एक मूवमेंट है उसको रिएक्शन देती है एक दूसरी मूवमेंट आ जाएगी तो ये वो मूवमेंट थी ट्रांसेंडेंटलिज्म जिसमें हम एक इंडिविजुअल की, की बात कर रहे थे इसको चैलेंज करती एक दूसरी जो मूवमेंट आ गई थी वो था डार्क रोमांटिसिज्म का डार्क रोमांटिसिज्म में क्या हो रहा था डार्क रोमांटिसिज्म में हम ह्यूमंस को देख रहे हैं नॉट एज इन चार्ज ऑफ देयर ओन डेस्टिनी बट राधर ड्रिवन बाय द फोर्सेस ऑफ फेट और नेचर तो ह्यूमंस के अंदर हम इन नेट सिनेस्टर टेंडेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ह्यूमंस के अंदर हम uh, क्या कहते हैं एबिलिटी टू सेल्फ सैबोटाज खुद को बर्बाद करने की टेंडेंसीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं द इमिनेंट फोर्स ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं मतलब जिन जिन आइडियल्स को हमने ट्रांसेंडेंटलिज्म के मूवमेंट में स्टैब्लिश किया था डार्क रोमांटिसिज्म में हम उसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो जैसे कि अबिलिटी टू तो सेल्फ सैबोटाज में सबसे क्लासिक एग्जांपल आपके पास आता है नॉवल मोबी डिक का हर्मन मेलविल के मोबी डिक का इमिनेंट फोर्स ऑफ नेचर या फेट इमिनेंट फोर्स ऑफ नेचर या फेट में क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है द स्कैलिट लेटर न थैनियल का तो ये जो डार्क रोमांटिसिज्म है ये भी अमेरिकन रोमांटिसिज्म की ही एक सब कैटेगरी है उसी के अंडर आ रहा है और ये अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म को रिएक्शन दे रहा है अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म के सबसे जो फेमस प्रोपोनेंट थे एज अ पोएट एज अ राइटर फिक्शनल राइटर वो थे वॉल्ट वेटमेन यहाँ पे हमें मोबीटिक स्कारलेट लेटर दिख रहे हैं एज एज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस मूवमेंट सो राइटर्स को हम हम इसमें राइटर्स जो हमारे हो गए हैं वो हो गए आपके हर्मन मेलविल नथानियल होथन एट्सेट्रा तो इस तरीके की मूवमेंट्स हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही थी ठीक है अब इन्हीं मूवमेंट्स को अलग तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा से जो है प्रेजेंट किया गया है आपकी बुक में ठीक है जैसे इन्होंने अर्ली नेशनल पीरियड बुला दिया है तो अमेरिका के इंडिपेंडेंट होने की इमीडिएटली बात जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी नेशन बिल्डिंग का टाइम चल रहा था और वो जो अमेरिकन रोमांटिसिज्म है उससे बिल्कुल पहले जिस तरीके के वर्क थे वो वही वर्क थे जो ब्रिटिश रोमांटिसिज्म से इंस्पायर्ड थे तो गौथिक लिटरेचर इस पीरियड में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है अमेरिका में नए न्यूज़ और मैगज़ीन्स स्टैब्लिश हो रहे हैं नेशन बिल्डिंग पे फोकस है इंडिविजुअल विल इंडिविजुअल फोर्स पे फोकस है ह्यूमनिज़म पे फोकस है तो किस तरीके के वर्क्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वन ऑफ़ द अर्लीस्ट अमेरिकन नावल जैसे हमें देखने को मिला है विलियम हिल ब्राउन का द पावर ऑफ सिम्पथी इसके बाद 1815 में अमेरिका की पहली वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी जर्नल्स मैगजीन्स इस्टेब्लिश होती हैं द नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू वॉशिंगटन अर्विंग की एसेज और शॉर्ट स्टोरीज फेमस हो जाती हैं चार्ल्स ब्रॉकडाउन ब्राउन के अमेरिकन गॉथिक नावल्स जो हैं पॉपुलर हो जाते हैं जिसको आने वाले टाइम में एक्सपैंड करेंगे एडगर एलन पो इसके अलावा कुछ और फेमस राइटर्स हैं इस पीरियड के जेम्स फेनिम और कूपर विलियम कलिन ब्राइंड ये इस पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स बन जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये वो पीरियड भी है जब बहुत सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया जाएगा तो अर्थ वाइल स्लेवस अपने नारेटिव अपनी स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे तो स्लेव नारीटिव्स भी इस पीरियड में पॉपुलर

इसके बाद आपको अमेरिकन रोमांटिसिज्म देखने को मिल रहा है जिसमें मैंने आपको राइटर समझा दिए हेनरी डेविड थरो रालफोल्डो एमरसन एडगर एलिनपो जो कि डार्क रोमांटिसिज्म रोमांटिक मूवमेंट के साथ जुड़े थे हर्मन मेलविल ये वो हमारे राइटर्स हैं जो अमेरिकन रोमांटिसिज्म के साथ जुड़े थे इसी की सब कैटेगरी है एज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म ट्रांसेंडेंटलिज्म के साथ मैंने आपको बताया रालफोल्डो एमरसन हेनरी डेविड थरो और वॉल्ट विटमेन जुड़े हुए थे और इस पीरियड में जो लिटरेचर है वो जनरली उसकी लिटरेरी वर्क की जो सेटिंग है वो न्यू इंग्लैंड में या न्यू इंग्लैंड के अराउंड देखी गई है टैनिकल इन्फ्लुएंसेस भी हमें इस पीरियड में देखने को मिले हैं इसको रिएक्शन देगा डार्क रोमांटिसिज्म डार्क रोमांटिसिज्म में नियल हाथोन और हर्मन मेलविल जैसे राइटर्स फिर हमें देखने को मिलेंगे क्लियर नेक्स्ट जो मूवमेंट आ जाएगी वो है आपकी रियलिस्टिक मूवमेंट रियलिस्टिक पीरियड या फिर रियलिज्म का पीरियड या फिर नेचुरलिज्म का पीरियड जहां जब जिस पीरियड में यूरोप में रियलिज्म चल रहा था यहां पर भी रियलिज्म या नेचुरलिज्म आ जाता है लेकिन टाइम अब खत्म हो गया तो मैं बाकी का कल कंटिन्यू कर लूंगी आज हम इसको यहीं छोड़ देते हैं आप लोगों का आज का होमवर्क मैंने आपको बता दिया है आपका होमवर्क क्या है अब मैं फिर से होमवर्क वाली वो प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है आप लोग सीरियसली लेते भी हो होमवर्क वाली एस्पेक्ट को और उससे आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाती है क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं कई सारे वहाँ से तो आप लोगों ने वॉलडेन के ऊपर आज का होमवर्क करके आना है क्योंकि इस बार यूजीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन तो है। है? प्लस टू तक साइंस पढ़ी है इसीलिए मैं एक्शन रिएक्शन बोल रही हूँ बिल्कुल साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैच का पूछ रहे थे मुझे ध्यान नहीं डबल वैलिडिटी का पूछ रहे थे मुझे ध्यान है नहीं डबल वैलिडिटी है नहीं तो मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ यूजीसी पे जाएंगे यूजीसी नेट इंग्लिश में डबल वैलिडिटी कल तक शो कर रहा था आज नहीं है मैंने आपको पहले ही बोला था जब जब डबल वैलिडिटी दिखे और मैं बता दूं कि डबल वैलिडिटी है तो बैच में एनरोल कर लिया करिए Uh, फिर भी आप कर सकते हैं देखो अभी भी क्योंकि रोज बच्चे नए क्लास में आ रहे हैं और मैं रोज उनको बोलती हूँ कि ये जो तुम लोगों ने काम दस दिन लेट किया है अगर तुम दस दिन पहले ही कर लेते तो तुम जीरो लाइक फर्स्ट क्लास से ज्वाइन कर सकते थे एवरी डे दैट यू एम मिसिंग आउट आप एक लाइव क्लास मिस कर रहे हैं आप लाइव इंट्रैक्शन मिस कर रहे हैं uh, अब मैंने इस बार अपनी क्लास में अब मैं बहुत जल्दी एक डाउट रूम भी शुरू करने वाली हूँ जहाँ पे क्लास हर क्लास के बाद हम लोग डाउट लिया करेंगे और एक यूनिट जो मैंने यूजीसी मैं मैं तो के, मैं मैं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करती हूँ तो वो वाला काम भी तो काफी नए तरीके से इस बार हम पेड़ बैच में पढ़ रहे हैं तो अगर आप जुड़ना चाहें प्लीज आप लोग उसमें जो है जुड़ सकते हैं डबल वैलिडिटी इस वक्त नहीं है और गुलशन एक काम करो मेरी जगह तुम ही आ जाओ क्योंकि तुम्हें तो पता ही है क्लास में क्या चलने वाला है कोड लगा लेना किसी को डिस्काउंट लगाना है तो किसी को तीस हजार देने का शौक है गुलशन तो आप ना भी लगाएं कोड कोई दिक्कत नहीं है कोड लगाने से यह है कि डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सेवेंटी एट परसेंट का मैक्सिमम ठीक है हाँ जी uh, मैं आज बस अपने पेड बैच के स्टूडेंट से थोड़ा डिस्कशन करके थोड़ा यहाँ वहाँ से रिसर्च करके प्रॉब्ली आज शाम को ही आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ हम एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे कि एवरेज स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट हम एक कट ऑफ का एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे uh, वैसे बहुत जल्दी रिजल्ट आ ही जाए जाएगा आपका प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में आप मान के चलो पंद्रह बीस दिन का गैप रहता है तो बिफोर अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आपका रिजल्ट आ ही जाएगा पर हम कट ऑफ की वीडियो जरूर कर लेंगे ठीक है अगर आप ए क्लास करती हैं आपको वाइटी फिर भी करनी जरूरी है बिकॉज हम यहाँ एम एच अलग एक अलग टॉपिक है जो कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं मतलब अमेरिकन हिस्ट्री ये सब तो मैं वहाँ पे भी पढ़ाऊँगी पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना कुछ ऐसे नाम होते हैं कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूनिट या कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वो इस बुक में आ जाते हैं जैसे पोर्ट मैन टू वर्ड का ही मैंने एग्जाम्पल दिया था uh, ये एक ऐसा टॉपिक था जो शायद मैंने कहीं और नहीं अपने नोट्स में कवर किया था बट मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ था पेपर में क्वेश्चन आ गया वहाँ से तो जिसने दोनों क्लासेस ली थी उसको बेनिफिट मिला ठीक है तो पेपर टू है सौ मार्क्स है यूजीसी नेट का पेपर है एक घंटा पढ़ के अगर आपको लगता है आपका काम चल जाएगा तो काम बनेगा नहीं एक घंटे वाली मेहनत करनी है तो फिर पेपर भी मत दो जिसको ज़्यादा जो ज़्यादा मेहनत करेगा जो ज़्यादा स्मार्टली अच्छे से पढ़ेगा उसी का पेपर क्लियर होगा ठीक है तो यूट्यूब पे भी आया करो पेड में भी आया करो दोनों पे आया करो क्लियर चलो कल मिलते हैं तीन बजे वापस मैं ये कंटिन्यू करूंगी अमेरिकन रियलिज्म मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म हम कल कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय हैव गुड डे सनी सर क्या हाल चाल